यू नो, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपकी पहली फिल्म थी रामा रामा क्या है ड्रामा, ढेर सारे कॉमेडियंस थे, दूसरी फिल्म थी बिन बुलाए बाराती, अगेन इतने कॉमेडियंस के पूछो मत, पूरी इंडस्ट्री इसमें शामिल थी। अब बी केयरफुल में भी ये भी एक कॉमेडी फिल्म है, क्यों? देखिए सर, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो है फिल्म मेकर जो हैं उनका बेसिक जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करना होती है वो होती है ऑडियंस को एंटरटेन करना। और हालांकि मैं ये नहीं कहता कि एंटरटेनमेंट जो है वो सिर्फ कॉमेडी तक सीमित है, अगर आप हॉरर या दूसरे किसी भी जोनर में फिल्म बनाते हो तो अगर वो आप उस आपकी टारगेट ऑडियंस के साथ में अगर आप ईमानदार हो एंड एटलीस्ट यू आर मेकिंग ए फिल्म विच इज़ यू आर वेरी ऑनेस्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस देन योर सिनेमा इज़ गुड। बिकॉज हम किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो शुरू से ही हमारे जहन में एक आइडिया होता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। सही। और अगर वो फिल्म उस टारगेट ऑडियंस के लिए हम बना रहे हैं तो एटलीस्ट वो ऑडियंस जो है अपने आप को चिट फील ना करे। हाँ जी। क्योंकि आप बना रहे हैं हॉरर फिल्म और लोग डर नहीं रहे हैं, आप बना रहे हैं कॉमेडी और लोग हंस नहीं रहे हैं, आप बना रहे हैं एक्शन और लोगों के रोमांच नहीं आ रहा है, तो देर इज़ नो पॉइंट मेकिंग दैट सिनेमा। इसलिए आपको जो अगर ये क्लियरिटी है कि मैं क्या सिनेमा बना रहा हूँ तो वो बड़ा ईजी होता है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो मेरी जो शुरू से मेरी फिल्में रही है, मेरा हमेशा से एक चीज़ से मैं ऋषिकेश मुखर्जी साहब का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अच्छा। और उनकी जितनी भी फिल्में रही उसमें उन्होंने आम आदमी से रिलेटेड एक रियलिस्टिक अप्रोच होती है उनकी कॉमेडी की तरफ। हाँ जी। डेविड सर या प्रियन सर या बाकी जो हमारे सारे इंटरटेनमेंट के बड़े बड़े डायरेक्टर अनीस भाई वगैरह रहे हैं, सही बात है, इन सब का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ होता है। हाँ जी। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में जो ह्यूमर था वो आम आदमी का ह्यूमर था, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। सही बात है। तो अगर आपने रामा रामा में भी आप देखिए सारे करेक्टर जो है वो रियल लाइफ के थे, वैसे ही बिन बुलाए बाराती के करेक्टर भी सच्चे थे, झूठे करेक्टर नहीं थे। और यही जो है बी केयरफुल में भी जो मेरे करेक्टर हैं वो सारे के सारे आम जिंदगी से जुड़े हुए हैं। मेरा जो रजनीश ने जो करेक्टर किया है सैम या जितने भी पंडित वगैरह सारे करेक्टर जो है वो यू कैन फाइंड देम, दे आर देयर इन द सोसाइटी, कोई right. वो बाहर से नहीं आए, कोई लार्जर देन लाइफ नहीं, ओम शांति ओम की ओम नहीं है, सब कुछ दे डू एग्जिस्ट। तो ये आपका जो टाइटल है बी केयरफुल ये किस पे लागू होता है, औरतों पे या मर्दों? इफ यू आर मैरिड स्टिल वांट टू हैव फन बी केयरफुल। ओके, आप ये कहते हैं इफ यू आर मैरिड बट स्टिल वांट टू हैव फन देन बी केयरफुल। वाओ। ओके, बट यू नो जब ऐसी कहानियों में अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, हस्बैंड थोड़े से उनकी नजरें इधर उधर घूम रही हैं, औरतें भी, अगर आप आपके केस में तो औरतें भी थोड़ी सी नहीं, मेरी फिल्म में औरतों का प्लान है। अच्छा, ये प्लान है। ओके, तो कहीं ना कहीं स्किन शो, कहीं ना कहीं डबल मीनिंग डायलॉग्स उस तरह पर, कहीं ना कहीं मैं आपकी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ पर झुकाव उस तरफ या एक कहते हैं कि स्लांट उस तरफ भी हो जाता है। आई टोटली एग्री विथ यू, मतलब इतनी नैरो लाइन होती है। हाँ जी। कि बहुत आप एक बिल्कुल छोटी सी थिन लेयर के ऊपर आप वॉक कर रहे हो और बहुत चांसेस है कि आप जो है इस तरफ आ जाओ। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि वो फिल्म जो है कहीं भी वो सेक्स बेस्ड सिनेमा या डबल मीनिंग और उन सब चीज़ों से बचाने की कोशिश की है। इट्स आउट एंड आउट फैमिली इंटरटेनर। अच्छा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि फिल्म कहीं भी वो उस सेगमेंट में नहीं चले जाए।